इतना कपड़ा के लिए आप लोग सहयोग किए, आप लोग का बहुत धन्यवाद। हम लोग आ चुके हैं लोग आज बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड पे हम लोग कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो जितना रद्दी कपड़ा है जो मतलब घर में लोग वेस्ट कर देता है, उस कपड़ा को हम लोग ला के जरूरतमंद के बीच बांट रहे हैं लोग। इधर संदीप जी हैं, ये पुराने कपड़े हैं सारे, सभी लोग ले लिए, काफी कपड़ा था। कपड़ा का सही उपयोग हो गया सब, और भी आगे कहीं कहीं जाके कपड़ा हम लेके और वितरण किया जाए। बस स्टैंड आए हैं क्योंकि हर साल हम लोग का शुरुआत बस स्टैंड से ही होता है, और उसके बाद हम लोग अभी स्टेशन निकल रहे हैं। दो तीन घर और कपड़ा लेके स्टेशन निकलेंगे ताकि कपड़ा। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं हमारे YouTube चैनल पर अपने दुकान या ऑफिस का प्रचार कराना तो आज ही संपर्क करें, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। इतना कपड़ा के लिए आप लोग सहयोग किए, आप लोग का बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत परेशानी में थे, ठंडी के दिन है, अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आपको कम्बल। सिवान के लैंड स्टैंड में आकर रैंड में रहने वाले लोगों के बीच में गर्म कपड़े का वितरण किया गया, और साथ में सभी सदस्य मौजूद रहे। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? ये सिवान के ललित बस स्टैंड है, जहाँ रैन बसरा है, उसी में रह रहे ठेला चालक रिक्शा चालक के बीच में इसको वितरण किया गया। ये प्रतिदिन कार्यक्रम चलेगा क्या? ये प्रतिदिन एक महीना तक कार्यक्रम चलेगा, 31 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। कपड़ा आप लोग कहाँ से लाते हैं? कपड़ा मतलब किसी किसी घर से जो पुराने कपड़े हो चुके हैं वो लोग देते हैं, और हम ला के उसको गरीबों के बीच में कपड़ा लोग ला के पहुँचाते हैं, जाते हैं खुद किसी के पास। पूरे सिवान वासी से यही अपील है, किसी के पास अगर पुराने कपड़े हो वो हमारे नंबर पे कॉल करें, और हम जाके खुद उसको लाएंगे लोग और गरीबों के बीच बांटेंगे।